नावर फारूकी की जनता रेडी हो। हेलो 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 दोस्तों, हेलो 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 हेलो, हाय हेलो हाय। दोस्तों सबको पहले तो बहुत सारा प्यार, और मैं हूँ अभी 20 मिनट 15-20 मिनट तो बहुत ही चिल होके बात करेंगे, रश नहीं करेंगे। 50,000-60,000 लोग आ जाए तो बात शुरू करते। कितने हो गए? ओके 2,70,000। भाई ने पूनम पांडे के, पूनम पांडे, पूनम पांडे देखो जिंदा है, उसकी खुशी हुई, लेकिन पूरे कल के दिन के घोड़े लगा दिए उसने यार। मैं लाइव आने वाला था, पूनम पांडे के चक्कर में मैं लाइव नहीं आया। ऐसे थोड़ी अवेयरनेस होती है यार। अभी मत कर जिंदा हो जाओ, अभी मर के जिंदा हो जाओ। पूनम पांडे अंडरटेकर निकली भाई, मर के जिंदा हो। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई उमर, उमर थैंक यू सो मच ब्रो, असकान मुबारक हो, थैंक यू सो मच भाई। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को आज, मजेदार मजा आ जाना चाहिए जनता को। सब लोग बोल रहे थे लाइव आ जाओ लाइव आ जाओ। मैं पिछले एक हफ्ते से सबको एक ही चीज बोलते हो, सुन लो कि पूरा एक हफ्ता हो गया आप लाइव नहीं आए। तो दोस्तों लाइव आने का कोई डिले करने का कोई रीजन नहीं था, मैं बस सोचा था कल जाऊं कल जाऊं कल जाऊं, और वेट ही कर रहा था आपसे बात करूं। यूजी भाई कैसे? अली भाई, अली ब्रदर्स, सबको बहुत सारा प्यार। मैं अभी शुक्रिया से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो सफर था वो बहुत ही बेहतरीन सफर रहा, और मैं भी देख रहा हूँ इंटरव्यूज भी नहीं दिए, तो इसलिए लोग कब से बोल रहे थे कि भाई आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं आया और आप लाइव भी नहीं आ रहे। तो काम कर रहा था मैं, एडिट हो गया है स्टैंड अप वीडियो नया, तो आप लोगों के लिए ही कर रहा था, और मैं कॉमेंट्स भी पढ़ते जाता हूँ। डार्लिंग दूसरी आईडी जल्दी फॉलो करो, ए भाई मेरी को आईडी नहीं है। साहिल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच साहिल भाई। शिवम एक शायरी, यस तो शायरी शायरी यही कहना चाहूंगा कि तू, मैंने जो लिखा था एंड में, मैंने सोचा स्टेज पे बोलूंगा, बट स्टेज पे पब्लिक का जमावड़ा हो गया, तो केसू तू क्या था? हाँ कि तू जब मैं जीता तो मेरी यही फीलिंग थी, और मैंने सोचा था कि जब मैं जीतूंगा ये स्टेज पे शायरी गाऊंगा कि तू साथ ना मां पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरे मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज का उनका ताज छीनने आया था। तो दोस्तों ताज से याद आया, मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ, एक मिनट मेरे को दे दो, 30 सेकंड्स में मैं आपको ट्रॉफी दिखाता हूँ। अगर सदागत गिरा नहीं, भाग के लेके जा गया है, और आते वक्त अगर गिरा नहीं तो 30 सेकंड्स में ट्रॉफी आ जाएगी। अरे थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने सदागत को ट्रॉफी जब हाथ में दिया तो सदागत ने बोला कि भाई बहुत भारी है। मैंने बोला हाँ भारी तो बहुत पड़ी है मेरे को। रितेश भावा कसा है तू, मिलते जल्दी बेटू यार। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैं शुरू करना चाहूंगा कि मैं अभी तक इंटरव्यूज नहीं दिया, और सब लोग एक ही सवाल मुझसे कर रहे हैं कि आप इससे कब मिलोगे उससे कब मिलोगे, तो प्लीज मैं सबको बोल दूं कि अभी सब लोग बिग बॉस से निकले हैं, सबको वो अटेंशन अट्रैक्शन है, सबको अपना अपना एंजॉय करना चाहिए। और 105 दिन इन लोग की शक्लें देखी है भाई, नहीं देखने का मेरे को वापस इन लोग को, थोड़े टाइम तक प्लीज नहीं देखने का। तो बाकी सब ठीक है, और बिग बॉस आप लोगों को पता है, और आपको जानते हो सब लोग,
और एनआरआई कैटेगरी में विनर था, बस यही बताना था मुझे। और नवीद जो था वो रनर अप था ना एनआरआई कैटेगरी में। तो ये थोड़ा बस इन्फॉर्म करना था हम लोगों को। फर्स्ट टाइम लाइव में मजा आ रहा है। वाइफ कैटेगरी में अंकिता विनर थी, हस्बैंड कैटेगरी में विक्की भाई। शूट कर रहा है चंडीगढ़ में, बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है मेरा भाई। अभिषेक के लिए बहुत सारा प्यार। और आज दोस्तों मैंने जैसे बोला मैं काम कर रहा था, तो आज स्टैंड अप रिलीज हो रहा है 8 बजे। अबा गादर इज बैक, और लेजेंड्स ऑफ अबा गादर एक स्टोरी थी, जिन्होंने मेरा दो वीडियो देखे अनिल की शादी काशिफ की दोस्ती, उसमें वही कॉन्टेक्स्ट है कि 4 ऐसी चीजें जहाँ पे नहीं लोग हंस सकते वहां हंसा है, और अवेयरनेस भी जरूरी है किस तरह कॉमेडी है, और 5वीं आज अबा गादर के सेट में रिवील होगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और 8 बजे वो वीडियो रिलीज होगा। मैं चाहता हूँ प्रीमियर पे ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को देखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टैंड अप में, मैं सच बताऊं मैं लाइव आना चाहता था सबसे बात करने के लिए, बट मुझे ऐसा था कि यार कुछ तो एक चीज लाइव में आगे मैं अनाउंस करूँ कि यार स्टैंड अप आ रहा है या गाना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो स्टैंड अप फाइनली आ रहा है, और बस स्टैंड अप को ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे लेके आ जा रहा, क्योंकि जो चीज जो अबा गादर की स्टैंड अप में उसकी मतलब उसकी नहीं मतलब डेथ के बारे में बातचीत है, तो अगर डेथ के बारे में बातचीत हो तो आजकल ट्रेंडिंग पे आई जाती है, मैंने सुना है ऐसा। तो अबा गादर को भी टनल तक छोड़ के आ जाओ आज सब लोग मिलके, और थैंक यू सो मच जनता को बहुत सारा प्यार। लाइव स्टैंड अप का प्रमोशन ऑफ कोर्स यार, अपना काम स्टैंड अप है। अबा गादर भी पूनम के साथ जिंदा हो गया है, लॉट्स ऑफ लव अनकंडीशनल सपोर्ट, थैंक यू सो मच भाई। फैंस ने बहुत सारा प्यार दिया भाई, मुनोर की जनता और वॉरियर में बाहर आके देख रहा था जनता, क्या कुत्ते लोग हो भाई, क्या कुत्ते लोग भाई, जो प्यार और जो पागलपन, थैंक यू सो मच भाई। सबको मैं बोलना चाहूंगा, भाई और बहनों को सबको, और दो लोगों के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि सब लोग सुनना भी चाहते हैं कि भाई ये दोनों के बारे में आप बात करो। और सब लोग जब से मैं बाहर आया तब से वही चल रहा है कि सदाकत और नितिन ने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज ये दोनों के बारे में आप जब भी जो भी मैं जिससे मिल रहा हूँ सब लोग सेम चीज बोल रहे हैं, सदाकत नितिन ने बहुत मेहनत करी है। तो मैं बस यही दोनों को बोलना चाहूंगा कि भाई तुम दोनों कोई एहसान नहीं किया, ठीक है, ठीक है। और बाकी सब देखो दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, किससे मैं मिलूंगा, मैं किससे मिला, किससे फोन पे बात की मैंने करी या नहीं करी, तो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश है, और सबको अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने दिया जाए और रहना चाहिए। जो चीजें खत्म हो चुकी है वहीं पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आजमा फल्ला, अरे बदक, तो बस वहीं पे उन चीजों को रोक देंगे, और आगे बढ़ने के लिए काम शुरू हो चुका है, मैं आने के सेकंड डे से ही काम पे हूँ, तो बाकी सारी चीजें तो करे जा रहे हम लोग, और स्टैंड अप आ जा रहा है। और आज मैं रात में और भी एक चीज है जो मैं बाद में बताऊंगा, स्टैंड अप रिलीज हो जाने के बाद बताऊंगा। बाकी शाउट आउट
शाउट आउट टू मुनव्वर की जनता, वॉरियर्स, तुम लोग कितने क्रेजी लोग हो और आप लोगों का कितना प्यार है। एक पूरी एक ऑडियंस है जिनका मैं बहुत दिल से और शुक्रिया कहना चाहूंगा कि मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत सारा प्यार, और मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार को पाके। मैं जैसे रोज अब रास्तों पे ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि मेरी मॉम आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन है, कोई मुझे कहता है कि मेरी नानी आपको देखते है, मेरी दादी आपको पसंद करते, तो अब एक अलग ऑडियंस का प्यार मिल रहा, तो वो अलग खुशी हो रही है मेरे को। और बाकी सब लोगों ने जो प्यार दिखाया, मैं लिटरली सबको मैसेज कॉल एक एक करके करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मुनव्वर की जनता, तुम हो ही ऐसी तादाद में कि मैं तुमको कॉल नहीं कर सकता, बट तुमको मैं हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे देते रहूंगा, जिसकी वजह से मेरा वो आपको थैंक यू बोलने का तरीका है। तो स्टैंड अप रिलीज करने का रीजन ये है कि आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, बट एंटरटेनिंग वे में कोलैबोरेशन बनती है। अली ब्रदर्स भाई, मैं आपने मेरे को इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अली ब्रदर्स बिल्कुल हम कोलैब करेंगे, चार लड़के म्यूजिक वीडियो में, सिर्फ चार लड़के म्यूजिक वीडियो में पक्का कोलैब करेंगे अली ब्रदर्स। और आप अली ब्रदर्स देख लो, आप सब जनता देख लो, अली ब्रदर्स ने मुझे म्यूजिक वीडियो के लिए बोला है, तीन लड़कों ने, तो हम बिल्कुल करेंगे। मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, और आपने मुझे इस लायक समझा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कमाल अली ब्रदर्स के लिए शाउट आउट यार, बहुत प्यारे बंदे और बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई। और बाकी सारे हिप हॉप में से सबने और इंडस्ट्री में से टीवी सब लोग ने जो प्यार दिया है मुझे, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों का। और जैसे चीज़ें अब आगे बढ़ेगी, आपको बेस्ट मुनव्वर देखने मिलेगा और मुनव्वर की हर बेहतर चीज़ देखने मिलेगी। आपको जो कुछ भी देखना पड़ा वो मेरे हाथ में नहीं था, और जो कुछ भी चीज़ें हुई वो बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं थी, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है ना, तो हम हर चीज़ को अपने ऊपर लेना चाहिए। मैं कभी अपने फेलियर या किसी भी सिचुएशन का जिम्मेदार किसी को नहीं मानता। तो हमेशा आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि किसी का फैन होने के लिए किसी का हेटर होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही काम करते रहेंगे, अपना काम हम करें, दूसरों का काम वो लोग करें, बस और कुछ नहीं। हरियांशी हाय, मयूर ब्रो हाउ यू, बोल फटाफट शॉर्ट आउट। मनु भाई, मनु भाई बहुत प्यारे इंसान है। नितिन मेघनानी, हाय ब्रो हाउ यू, दो मिनट गाइस अजान हो रही है, भाई शादी कब करनी है? अरे शादी कब करनी है नितिन, पूछ रहे लोग सदागत की। कंटिन्यू, आज भी मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड तुम चाहे 1,00,000 लोग देखे एक साथ प्रीमियर, क्योंकि अपना YouTube पे मजा आता है अपने को, वहाँ पे जो चीजें होती है, और YouTube पे और जबरदस्त चीजें आने वाली है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। भाई रजाक वाले मूड में, रजाक भाई वाले मूड में आना। अरे रजाक भाई अभी आएंगे भाई, अभी रमजान आ रही है, रजाक भाई आ जाएंगे। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू सो मच भाई। और बाकी सारे जितने भी मुनव्वर की जनता और मुनव्वर के वॉरियर्स में जितने भी फैन पेजेस है, वो सारे फैन पेजेस बहुत तोड़ू काम करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या एडिट्स बनाए यार, बहुत क्रेजी एडिट्स बनाए। और मैं डोंगरी की बात शेयर करना चाहूंगा। डोंगरी पे जब मैं गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ लोग होंगे, बट इस तरह लोग होंगे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जितनी भी पब्लिक डोंगरी पे आई थी, डोंगरी की तो थी और बाहर की भी पब्लिक थी, तो सारी पब्लिक जो वहां पे थी, मैं आपसे अगर मिल नहीं पाऊंगा या आपको देख नहीं पाऊंगा, फोटो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए आए, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा वो चीज को मैं अपने जहन में और यादों में रखूंगा। और बाकी सबका थैंक यू करना चाहूंगा, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने लोगों ने प्यार किया, वो चाहे इंडस्ट्री से हो या फैंस हो। मैं बहुत पागल जोन में जी रहा हूँ कि मजा आ गया। कुछ सवाल हुए तो आने दो दोस्तों, दो मिनट है तो हम थोड़े सवालों के जवाब। और फैन बॉय मुनव्वर की खातिर
की खाते भी अच्छे एडिट बनाता है, किंग आर्ट भी अच्छे बनाता है, फारूक के लिए स्मार्ट हैकर भी अच्छा बनाता है भाई। लड़की पटाने की ट्रिक्स, अरे भाई कहीं आगे बढ़ो यार जरा, क्या कुछ नहीं रखा, ये सब मत करो। सच बोल रहा हूँ, मत करो। दिल्ली कब आओगे? ये बिल्कुल जल्दी आएंगे दिल्ली के, दिल्ली तो आना बनता है। आयशा के साथ बात हुई? नहीं, आयशा के साथ बात नहीं हुई। ढाबे पे पार्टी, जैनब, आई रिमेम्बर। आया आपको फुल सपोर्ट है, शुक्रिया यार, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और इसी के साथ दोस्तों 7:20, और जैसे कि वादा था, यहाँ पे जाने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, आप सबका शुक्रिया मैं जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जनता ने जो बना दिया है वो प्योर लव है, वो इतना प्योर लव है कि मैं क्लियरली जानता हूँ कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बाकी हर चीज में हो सकती है। और रही बात रिश्तों में क्लैरिटी की, तो मुनव्वर और जनता का एक रिश्ता है जो बहुत क्लियर है, और ये रिश्ते से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता क्लियर है, और ये रिश्ता इसी तरह क्लियर रहेगा, और मैं दुआ भी करूंगा कि ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे। और तुम लोगों को कल्ट बोल देना, तुम लोग सच में कल्ट हो यार, खतरनाक, बहुत सारा प्यार। और मैं हमेशा ये याद रखूंगा कि मैं कहता था ना कि कभी आंख लगे तो थाम लेना हाथ मेरे, तो सच में आप लोगों ने हाथ थाम लिया, और ये मौका मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसी तरह प्यार देते रहना, और मैं तो आते रहूंगा, अभी थोड़ा काम मैं बिजी हूँ, चीजें कंटेंट वाइज ही क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और बड़े 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 काम हो रहे हैं भैया, मजा आ रहा है। और साथ में मिलके लेगेसी बनाएंगे, और ऐसी लेगेसी बनाएंगे ना लोहे जैसी, कि पूरा इतिहास पूछता रहेगा कि किसकी है, ऐसी लेगेसी बनाएंगे। इतनी मेहनत करेंगे, इतना काम करेंगे, और बस किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं, अपना काम चलेगा तो ताले अपने आप लग जाएंगे।